रामलला कहते थे कोई तो आएगा जो हमको अपना घर दिलाएगा, तो एक बार हम लोग बोलेंगे जय जय श्री राम। कहाँ जाएगा आपका? मोदी जी, मोदी जी, मोदी और कहाँ जाएगा? जय श्री राम का वोट जाएगा मोदी जी का। विकास किए हैं, विकास किए हैं, विकास किए हैं। फिर से प्रधानमंत्री किन्हें बनाना है? मोदी जी को बनाना है। राहुल गांधी नहीं बनाना है। राहुल गांधी क्या 70 साल क्या किया था? क्या किया 70 साल में क्या हुआ? बेगूसराय का माहौल इस बार बस मोदी छाप। मोदी जी? हाँ मोदी जी। हरमन पर हैं और अभी हम बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि यहाँ से सांसद किन्हें चुन रहे हैं और केंद्र में किन्हें पसंद कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी या फिर कुछ बदलाव। लोग हैं इन्हें जानते हैं, केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते हैं? हाँ देखना चाहते हैं। मोदी जी विकास और किए हैं? पूरा विकास किए हैं, विकास किए हैं, विकास किए हैं। फिर से प्रधानमंत्री किन्हें बनाना है? मोदी जी को बनाना है। राहुल गांधी नहीं बनाना है? राहुल गांधी को ना है? नहीं बनाना। चल इधर भी जान लेते हैं, मोदी जी काम और किए हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत किए हैं। हाँ राहुल गांधी है विपक्ष में? नहीं नहीं हम लोग मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ से लेफ्ट के प्रत्याशी है महागठ? नहीं 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 मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जी। विकास और किए हैं? खूब खूब किए हैं। तो वोट कहाँ जाएगा आपका? मोदी जी, मोदी जी, मोदी और कहाँ जाएगा? जय श्री राम का वोट जाएगा मोदी जी का, मोदी जी का एकदम सही, मोदी जी का वोट जाएगा बेगूसराय से मोदी जी। हाँ एकदम जरूर जीतना है उनको। हाँ राहुल गांधी, राहुल गांधी क्या 70 साल क्या किया था? क्या किया 70 साल में क्या हुआ? 500 बरिस का राम मंदिर उससे नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी वो बदनाम करता है फलना चिल्ला। राहुल गांधी यार कुछ नहीं, उसको यह बुलाइए हम पूछते हैं। तो मोदी जी को देना है यार? देना है उसको, ऐसा नेते विश्व में नहीं है कोई, विश्व में नहीं है राहुल गांधी। इंग्लिश नेता कोई विश्व में नहीं है, ऐसे कोई कह दे राहुल गांधी या फलना गांधी वो अलग का चीज है, वैसा नेता कोई नहीं है। पूरा विश्व का हम बात करते हैं, मतलब बेगूसराय से मोदी जी। एकदम मोदी जी, मतलब गिरिराज दा यहाँ से ना जी। कौन है यहाँ सांसद? गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह मोदी जी। हाँ हाँ मोदी जी, कमल छाप, कमल छाप। हाँ यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पर प्रत्याशी, यहाँ जीतेगा, लेफ्ट वाले नहीं जीतेंगे यार नहीं। चलिए इधर भी है लोग, बात कर लेते हैं। क्या है बेगूसराय का माहौल? बेगूसराय का माहौल इस बार बस मोदी छाप। मोदी जी? हाँ मोदी जी एकदम कमल पर जाके, कमल पे। विकास और हुआ है देश में? देश में विकास, विकास 370 राम मंदिर, विकास ही विकास नजर आ रहा है। वो कह रहे राम मंदिर से विकास होता है विपक्ष वाले? राम मंदिर तो हम लोग सनातन धर्म का कोई उपाय नहीं है क्या? सनातन धर्म का भी उपाय तो होना चाहिए। तिलक लगा के हम लोग हैं, तो आप कल कहिएगा तिलक मत लगाओ तो ऐसा हो सकता है क्या? हमारे बाबूजी, हमारे पूर्वज सब सनातन धर्म थे। आज 500 साल का जो देखने को मिला वो अभी वो मोदी जी, वही मोदी जी हम लोगों को। और हमारे रामलला कहते थे कोई तो आएगा जो हमको अपना घर दिलाएगा, तो एक बार हम लोग बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बेगूसराय से गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह को नहीं, मोदी जी, मोदी जी। गिरिराज सिंह को नहीं, मोदी जी से, ओनली मोदी जी। गिरिराज सिंह क्या है, कोई बच्चों खड़ा हो जाएगा उसको मिल जाएगा, बच्चों खड़ा होगा बेगूसराय के मोदी जी के नाम पे। अभी चल के देखिए ना समस्तीपुर, उजियारपुर, हर जगह मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार निकल रहे हैं। राहुल गांधी कैसे निकलेंगे? अभी चुनावी जब सभा आया, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, एसटी ओबीसी का, ओबीसी को दिया जाए, मुसलमान लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो आप बताइए एसटी का आरक्षण काट के मुसलमान को दिया जाएगा, ऐसा कहीं हुआ है क्या? इतना दिन से नहीं सोचे थे, ये चुनाव के समय में याद आया। ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं, तैयार है इस बार? हाँ सब लुटेरे हैं, सब 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 लुटेरे, सब सब लुटेरे हैं, सब लुटेरे हैं। अभी जो के बारे में कहते हैं वाशिंग मशीन है ये लोग, वो बीजेपी पूरा दिखा दिया, पूरा विश्व के पटल पे मोदी जी का चेहरा कैसा है पूरा विश्व देख रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है। तो आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए एकदम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। कितने वोट जाएगा आप लोग का? वो तो बीजेपी का है ही, बीजेपी का। हाँ माहौल क्या है बेगूसराय का? महागठबंधन जीतेगी, महागठबंधन वाले भी मिल गए, कुमार राय उनका विशाल विशाल बहुमत है, विशाल बहुमत, विशाल बहुमत है। नरेंद्र नाथ मोदी की बात करते हैं तो
वो सिर्फ रोजी रोजगार के बात नहीं करते, वो धर्म की बात करते हैं। धर्म से भी हम आस्था रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी की ही कृपा से राम आए वो बात नहीं है। मोदी जी की कृपा से राम आए, क्या माहौल है बेगूसराय? बेगूसराय में मोदी में है, मोदी में कह रहे हैं कि अवधेश राय का नाम लोकतंत्र है, अपना अपना अधिकार है कहने का, कोई रोक थोड़े है, कोई रोक नहीं है, सबका अपना अपना मत है। अच्छा मोदी जी 400 पार का नारा दिए, 500 पार हो जाएगा, 500 पार मतलब मोदी जी आ रहे हैं बिल्कुल। राहुल गांधी को नहीं पसंद करते आप लोग? राहुल गांधी तो अभी अनमेरिड है, हाँ उतना नहीं है समझ बूझ नहीं है, कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ। चलिए इधर भी जान लेते हैं, मोदी जी बेगूसराय में? हाँ बेगूसराय में उस गजे हम उम्मीद बता सकते हैं लड़ाई के बाद, कोई किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि आप डर जाएगा आपका वोट 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 तो हमको अवधेश राय हैं। अवधेश राय, चलिए अवधेश राय जी का है, क्या है माहौल बेगूसराय का? बेगूसराय का है CPI जीत रहे हैं, CPI जीत रहे हैं, क्या माहौल है बेगूसराय का? सब जीत रहा है। कौन, BJP या CPI? सब दोनों जीतेगा, दोनों जीतेगा। चलिए क्या है माहौल बेगूसराय का? बेगूसराय से BJP जीतता है, BJP हाँ। इधर भी जाने तो युवा है, क्या है बेगूसराय का माहौल? BJP जी। चलिए क्षेत्र में भ्रमण पर है लोकसभा चुनाव को लेकर के, अभी बेगूसराय क्षेत्र में है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि देखिए CPI के भी कुछ लोग सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से अवधेश राय जीत लेंगे। कुछ लोग BJP के भी कट्टर सपोर्टर हैं, यहाँ कह रहे हैं कि देखिए फिर से जो है मोदी जी ही केंद्र में आने वाले हैं, राहुल गांधी की चर्चा नाम तक सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।